आपको भी चैट जीपीटी का यूज़ फ्री में करना है और इस तरह की इमेज जनरेट करना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको अपना माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ओपन करना है और चैट जीपीटी को सर्च करना है। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करना है। चैट जीपीटी वेबसाइट ओपन होने पर आपको फर्स्ट टाइम साइन अप करना है और आप पहले ही लॉगिन कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करें। मैं पहले ही लॉगिन कर चुका हूं इसलिए लॉगिन पर क्लिक करता हूं। कुछ टाइम वेट करना है प्रोसेसिंग के लिए। लॉगिन पेज पर आपको कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करना है और अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस ओके लेट्स गो पर क्लिक करना है। आप चैट जीपीटी 3.5 में कोई भी टेक्स्ट बना सकते हैं, कोई भी आप डिश बना सकते हैं। रिकमेंडेड डिश पर हम क्लिक करते हैं। ये आपको इंग्लिश में एक डिश बनाकर देंगी। आप इसे हिंदी पर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए दिस इन हिंदी टेक्स्ट मैसेज सेंड करेंगे और यह हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। चैट जीपीटी 4 में एआई फोटो मेकिंग करने के लिए आपको इसका प्रीमियम $20 प्लान लेना पड़ेगा जो मंथली है। इससे अच्छा मैं आपको फ्री आइडिया एक देता हूँ। आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आना है और यहाँ कॉपी लोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह लोडिंग होने के बाद आपको यह चैट जीपीटी 4 पर बेस्ड है जिससे आप एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं। मैंने इसमें एआई इमेज जनरेट मैसेज सेंड किया है जिससे मुझे कुछ समय बाद एआई इमेज जनरेट मिल जाएंगी जिसे मैं डाउनलोड एंड शेयर एंड कॉपी भी कर सकता हूँ। कुछ समय बाद हमें 4 फोटो जनरेट होकर मिल चुकी है। इसे ओपन करके देखते हैं इसकी क्वालिटी एंड इसका बैकग्राउंड। इमेज को ओपन करने के बाद इसकी क्वालिटी देखने के बाद फेवरेट इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। और आप डाउनलोड करने के बाद आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन।